सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू अमरावती विच इज़ माय होम टाउन, बट आज मैं बाइक से नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं जा रहा हूँ ट्रेन से, CSMT अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। एंड पब्लिक में ब्लॉग करना आज एक टास्क रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले मैं हमेशा बाइक पे ही ट्रैवल करता था एंड उस टाइम पे व्लॉग बनाना एंड अभी व्लॉग बनाने में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। साथ में मेरी मौसी भी रहने वाली है, सो आज का एक्सपीरियंस मेरा अलग रहने वाला है। दोस्तों के साथ अलग रहता है, राइड पार्टनर्स के साथ अलग रहता है, सोलो में भी अलग रहता है। सो पैकिंग हो चुकी है पूरी, इट्स 5:30 राइट नाउ एंड 7:55 की हमारी ट्रेन है। सो 6 बजे मैं निकलूँगा घर से एंड मिलते हैं आपको जर्नी के टाइम पर। पूरा आगे से नहीं जाने वाले, ये जो स्काई वॉक दिख रहा है यहाँ से ही हम लोग अभी जाने वाले हैं। सो लेट्स गो। 7:40 हो रहा है। सो पहुँच चुके हैं हम लोग, बहुत भागा दौड़ हुई, सामान रख दिया है एंड बस अभी बैठेंगे। बहुत स्ट्रगल था और लेट इसके लिए हुआ है क्योंकि हमारी ट्रेन पहले रुक गई थी, उसकी वजह से यहाँ पे आने को लेट हुआ, नहीं तो यहाँ पे भी हम लोग जल्दी आ जाते थे। बट कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस था। सो मैं ऑलमोस्ट 4 साल के बाद ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। नॉर्मली हम लोग जब गांव जाते थे तभी हम लोग कार से जाते थे, बट इस बार मैं ट्रेन से जा रहा हूँ एंड 3rd AC का बुकिंग किया है। और गांव में जाके जो भी प्लान रहेगा मैं आपको कल यानी पहुँच के यही वीडियो में अपडेट कर दूँगा। सो इसके वॉशरूम जो है वो भी क्लीन है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसे साफ़ सुथरा रखें। सीट पूरी बेंड हो चुकी थी, इसके लिए मैं अभी बाहर आया हूँ। अगला जो स्टेशन आएगा वो खसरा आएगा, ऊपर बैठ भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता मैं। और उस वीडियो को बहुत टाइम लग रहा है अपलोड करने के लिए, वर्क फ्रॉम ट्रेन चालू है मेरा फिलहाल में अभी। अभी मैं खसरा पहुँच चुका हूँ, ट्रेन टाइम पर तो चल रही है। अभी पीछे एक इंजन लगेगा क्योंकि अभी जो है वो घाट सेक्शन चालू होगा, तो इसके लिए पावर की ज़रूरत रहती है। इसके लिए खसरा में ऑलमोस्ट हर गाड़ी को आगे या तो डबल इंजन लगता है या तो फिर एक आगे एक पीछे इंजन रहता है। तो फिलहाल मैं हूँ शेगांव में और शेगांव में 3 चीज़ें फेमस हैं। एक शेगांव मंदिर, श्री गजानन महाराज जी का मंदिर, सेकंड मतलब आनंद सागर, और तीसरी मतलब शेगांव कचोरी, जो ओवरऑल महाराष्ट्र में फेमस है। सो अगर आप कभी भी यहाँ पे आओगे तो डेफिनेटली मंदिर में जाना और शेगांव कचोरी ट्राई भी करना। ऑल्ट रहता सिर्फ यहाँ पर
लेट है, अभी बज रहे 7:22, अभी हम लोग को होना चाहिए था बडनेरा। अभी बैठ बैठ के कंटाल आ रहा है, मैं सुबह 3:30 बजे उठ चुका था, भुसावल आया था अभी, उस टाइम से मैं सोया नहीं हूँ, नहीं आ रही है नींद, अभी क्या करें। नसीब से नीचे के जो पैसेंजर्स थे वो उतर गए कई स्टेशन पे, इसके लिए फिर अभी नीचे आके बैठा उसे और सिर्फ वीडियोज़ निकाल रहा हूँ बाहर के, बाकी कुछ नहीं है करने को, गाने सुन रहा हूँ, वीडियोज़ निकाल रहा हूँ और रील्स के आइडियाज़ दिमाग में चालू है, ऐसा करना है, वो वैसा करना है, ये शॉट ऐसा लेना है, बट देखते कितना हो पाता है। और कभी हम लोग पहुँचते हैं बेसिकली, बोर हो रहा है लेकिन अभी चुकी है हम लोग बडनेरा स्टेशन पे। सो जब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था ट्रेन का स्टेटस तो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, लेट दिखाया, लेकिन बडनेरा स्टेशन पे ऑलमोस्ट 10 मिनट में पहुंचा दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग स्टार्टिंग में या बीच में लेट करते हैं एंड डेस्टिनेशन के पहले बहुत जल्दी पहुँचा देते हैं। रुके हैं अभी एक ब्रेकफास्ट के लिए और घर यहाँ से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लगने वाला है। और एंड अभी हम लोग हैं पूर्णा नगर में, यहाँ पे सारा ये स्टॉल्स आपको दिख जाएगा एंड कुछ इस तरह में ये लाल चटनी और समोसा, इवन भजिया, उसके बाद कचौरी, ये सब मिलता है यहाँ पे। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। सो जस्ट अभी पहुंचा हूं मैं घर पे एंड बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा वेदर देख के। आगे का जो मेरा प्लान है वो ऐसा है कि यहाँ पे घर के पास ही चिखलदारा जो हिल स्टेशन है, महाराष्ट्र का वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन, तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। सिर्फ 1-2 दिन और रुक के मैं जाऊँगा, एक तो मैं फैमिली के साथ जाऊँगा और या तो फिर यहाँ पे और एक कंटेंट क्रिएटर है जिससे मैं मिलने वाला हूँ, तो होपफुली अगर प्लान बनता है तो उसके साथ भी मैं जा सकता हूँ। तो वो जो भी अपडेट रहेगा आपको मैं दे दूंगा। बट यहाँ की तारीफ़ की मैंने और अभी धूप निकल आया इमीजिएट। बट कोई नहीं, बारिश गिरेगी तो वहाँ पे जाने का मज़ा और आएगा और वीडियो तो ज़रूर मैं बनाऊंगा। एक्चुअली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इससे थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया है और बहुत सा मैंने खुद को पुश किया है पब्लिक में व्लॉग करने के लिए। फिर भी मैं अमरावती स्टेशन जब उतरा तब मैंने कैमरा फेस नहीं किया, मेरे अंकल भी लेने आए थे मुझे तो मैंने खुद ड्राइव किया, तो वहाँ पे भी मैंने व्लॉग नहीं किया है। बट कोई नहीं, आगे देखते हैं, जो भी प्लान, जैसा भी प्लान बनता है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, तो सब आपको मैं वीडियो बना के उसमें बताऊँगा। या तो फिर इंस्टा पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी फॉलो करो, क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैं एक्टिव नहीं हूँ तो इंस्टा पे मैं छोटी मोटी स्टोरीज डालते रहता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ। सो आपको उतना अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग। अभी टाइम लैप्स के लिए मैं कैमरा लगाऊंगा, तो जाते जाते टाइम लैप्स एंजॉय करूँगा।